हैं कि माता का आशीर्वाद रहेगा तो धन संपत्ति कोई लेके नहीं जाता है प्रकाश जी। माता का कृपा था, हमको जस मिलना था, इसलिए हम माता के आशीर्वाद से ही लगे। क्या कि हम लोग सोचे भी नहीं थे कि मेरे ग्राम आह्लादपुर में माई स्थान बनेगा। भगवती का कृपा जब हुआ तो समय जब आया तो माता का भव्य स्थान बन गया, और इसमें भूमिदाता पुष्कर कुमार हिमांशु उर्फ भोलू भाई का मुख्य सहयोग और योगदान है। सबके कमाई में बरकत दें और समूचे गांव का माता रानी कल्याण करें, और आगे भी बहुत अच्छा व्यवस्था यहां होने वाला है और सब उनकी कृपा है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश जोश लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी प्रखंड अब जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि एक भक्त के द्वारा जो है जमीन दान करके जो है यहाँ पर मंदिर बनाया गया है, जो काफी सभी जगहों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। और देख सकते हैं भगवान की पूजा रचना को लेकर जो है एक भक्त के द्वारा यह अच्छी पहल की गई है, और जमीन को जो है दान में करके जो है पूजा अर्चना जो है स्थानीय ग्रामीणों को कोई परेशानी नहीं हो उसको लेकर किया गया है। जो लालातपुर गांव का अभी आपको लाइव फुटेज दिखा रहे हैं, जो जिनके द्वारा जो है भूमि दान किया गया है, उनसे हम खास बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे भैया, कहां से सोचा है कि आप जो है जमीन जो है अभी के डेट में जो है जमीन के लिए काफी लोग मरते झगड़ते रहते हैं, ऐसे में आप जो है भगवान के लिए दान कर दिए, कहां से सोचा है आप? जय माता भगवती। हमारे सभी श्रोता बंधु को भगवती स्थान दुर्गा पूजा समिति की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रकाश जी, सबसे पहले हम ये बता दें कि आज हम जो भी हैं कृपा तो इन्हीं का, और कुछ है नहीं मेरे पास। हम अपने परिवार में सबसे छोटे होने के कारण गांव समाज अगल बगल सभी लोगों से मेरा रिश्ता अच्छा रहा बचपन से, और सामाजिक कार्य से हम जुड़े रहे हैं। पूर्व में हमारी पत्नी चुनाव भी लड़ी हैं, तो सामाजिक कार्य में जब हम गए तो धीरे धीरे में दिल में लालसा जगने लगा कि भाई सभी जगह मंदिर है, मस्जिद है, पूजा अर्चना होता है, हमारे गांव में मंदिर नहीं, तो हम देखे कि होगा कैसे। तो माता का कृपा हुआ, माता हमको बुद्धि दी कि तुम यहां आ जाओ। हम यहां आए, माता का पूजा 2021 में हम शुरू किए, जिस टाइम आप आए थे पूजा शुरू किए। पहले साल पूजा हुआ, ग्रामीणों का आस्था विश्वास माता के ऊपर जगा, क्योंकि ग्रामीणों को भी हमें भी सभी लोगों को यहाँ परेशानी होती थी, क्योंकि रोड से 4-5 फीट नीचे होने के कारण बारिश के समय में 2-2.5 महीना पूजा करना कठिन था। हमारी बूढ़ी माता बहने आती थी तो गिर भी जाती थी, जिसका प्रमाण सभी ग्रामीण हैं। तो ग्रामीणों का भी मन था कि मंदिर का निर्माण हो, तो माता जी का आशीर्वाद हुआ। माता जी हमको बताएं, हम लग गए तो 2022 में पूजा हुआ, 2023 में पूजा जो हम किए उसके बाद हमने ग्रामीणों को बताया कि भाई हम मंदिर बनाएंगे, तो धीरे धीरे कुछ लोग जुड़ते गए, कुछ लोगों ने कहा कि बनाइए बनाइए, फिर धीरे धीरे मैंने थोड़ा हम भी व्यस्त हो गए, लोग भी व्यस्त हो गए, ध्यान भटका। इसी बीच माता का कृपा, हमें अपना घर बनाना था, तो हमारे माता जी का विचार आया कि पहले अपने माता के लिए घर बना रहे हो और जो सबकी माता है उनको नीचे रख रहे हो, अच्छा बात नहीं। तो विगत 19 जून को हमने अपने घर का नींव दिया और यहाँ माता जी के लिए नींव दिया। तो हमारा फर्स्ट प्लानिंग था कि चबूतरा निर्माण करके और पूजा अर्चना शुरू कर देना है, और उसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से आगे बढ़ना है। तो हमारे गांव के वार्ड सदस्य प्रतिनिधि हैं नवल महतो जी, उनका घर बगल में है, तो हम इनसे आए मिले, हमारे ग्रामीण सामाजिक लोगों से भी मिले, तो इन्होंने बताया कि तन मन धन से हम लोग आपके साथ रहेंगे। तो उसके बाद हमने काम शुरू किया, और जब हमने बाउंड्री करा के मिट्टी भराई का काम करा दिया, उसके बाद ग्रामीणों ने जो सहयोग किया है उसके लिए ग्रामीणों का दिल के गहराइयों से आभार प्रकट करते हैं। पूरे ग्रामीण माने एकदम बच्चा बूढ़ जवान सियान सब लोग भीड़ गया, और कोई 1000 कोई 2000 कोई ग्रिल कोई छतरी कोई एल्वेस्टर माने सारा लोग टाइल्स सब रखा हुआ है, पूजा के कारण नहीं लगा है, और पूरा गांव भक्तिमय हो गया, और दूसरे समुदाय के लोग भी हमारे मुसलमान भाई लोग भी खुश हैं, वो लोग भी माने आपसी भाईचारा भी हम कायम करने में सफल रहे हैं गांव में, सबसे खुशी की बात यह है। और माता रानी का कृपा हुआ तो अब आगे सब सारा काम होते रहेगा, यहीं से हमें सुना खुशी मिल रहा है, अपार खुशी, इस खुशी का अंदाजा लगाना सबके बस की बात नहीं, अपार खुशी मिल रही है। और हम ये कहते हैं कि माता का आशीर्वाद रहेगा तो धन संपत्ति कोई लेके नहीं जाता है प्रकाश जी। ये माता का स्थापना
कितना दिन पहले हुआ कोई नहीं जानता था। माता जी आए, गांव समाज लोग पूजते हैं, हम भी पूजने लगे, जिस दिन से होश हुआ पूजते हैं, माता जी पूज रही थी, दादाजी पूजे, पिताजी पूजे, लेकिन माता का कृपा था, हमको जश मिलना था, इसलिए हम माता के आशीर्वाद से ही लगे। और खुशी तो इतना है कि कोई सब धन संपत्ति, कहाँ से लोग यहाँ पे पूजा करने आप? अभी हमारे गांव के लोग, गांव के आसपास के लोग, जो हमारे मित्र बंधु हमसे जुड़े हुए लोग हैं, वो सभी लोग आते जाते रहते हैं। जैसे कि आज आप आए हैं, सुबह में दिलजीत भाई आए थे, तो सब लोग आ रहे हैं, और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता लोग भी जुड़े हैं। तो माता रानी का कृपा सभी लोगों पे बना रहे, और माता रानी सभी का कल्याण करे, और सभी का आपसी भाईचारा कायम रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि धन न लेके आए हैं न लेके जाइएगा, हमारे बाबा चलेगा, जमीन तो यही है, बाबूजी जाएंगे यहीं रह जाएगा, हम जाएंगे यहीं रह जाएगा, तो बिना काम के परेशान काहे होना है, जिसका है सब उसी का रहेगा। चलिए आप कुछ लोग क्या कहेंगे, मंदिर बन रहा है आपके इलाके में, कितना खुशी महसूस हो रहा है? बहुत खुशी महसूस हो रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रहा है। पहले माता रानी जमीन के नीचे में थे, तो ऐसे आगे से केला उला का पौधा था, दिख भी नहीं रहा था। अब भोलू जी ने, भूमिदाता भोलू जी हुए, जो जमीन दिए हैं, और पूरा ग्राम वासियों ने मिल के हम लोग आ रहे हैं, बनवाए। जी अच्छा, और काफी अच्छा है। और इसमें गरीब से गरीब 1100, जो जिनके पास ज्यादा पैसे हो, 40,000 तक चंदा दिए हैं। हाँ, ऐसे कोई ग्रिल लगाया है स्टील के, कोई लोहे के, कोई ऊपर का छतरी दिया है। बहुत खुशी है हम लोग, क्या कि हम लोग सोचे भी नहीं थे कि मेरे ग्राम आह्लादपुर में माई स्थान बनेगा। चलिए आप और कुछ लोग हैं क्या कहेंगे, कितना खुशी महसूस? हम लोग तो बहुत खुश हैं, इतना खुश है, जब हम लोग के अपना दरवाजे पर से माता का दर्शन करते हैं, सुबह सुबह सूत उठ के पहले इन्हीं का नजर पड़ जाते हैं गेट पर से, पहले नीचे थे दिखते नहीं थे, अब तो इतना ऊंच पर हो गए, इतना सुंदर हो गए, जब दरवाजे पर से माता को देखते हैं सुबह उठते हैं तो पहले इनको प्रणाम करते हैं, इतना खुशी होता है जो मत पूछिए, बहुत खुश हैं हम लोग। अच्छा, अभी के डेट में जो है कोई लोग जो है जमीन नहीं देते हैं, और आपके ही गांव के लोग जो है जमीन देकर इतना बड़ा जो है अथी बनवा रहे हैं, मंदिर बन रहा है, ग्रामीणों का सहयोग से, क्या कहेंगे? उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद है, सब उन्हीं का कृपा जो किए हैं, ये एक ऐसा कोई नहीं करेगा जितना बड़ा ये काम कर दिया है, सब इन्हीं का देन है जो ये मंदिर हुआ है। अगर शुरू से अगर नींव नहीं देते तो ये मंदिर नहीं बनता, शुरुआत इन्हीं का है जो इतना नींव तक कर दिए, उसके बाद जो ग्रामीण का सब सहयोग हुआ तो इतना बड़ा हुआ, फिर इससे ऊपर भी छत ढलाएगा, मंदिर बनेगा, इससे भी अच्छा बनेगा, बेहतरीन बनवाइएगा, एकदम खूब सुंदर बनवाएंगे, एकदम दिल से, एकदम इतना सुंदर से बनवाएंगे ना हम लोग, इनका कृपा होगा, 2-3 साल में हम लोग बहुत अच्छा से इसको बनवाएंगे, हाँ खूब बढ़िया से, जितना सज सके उतना सजाएंगे। नहीं मानिएगा? नहीं, हार तो कभी नहीं मानेंगे, हार तो नहीं मानेंगे, जितना सुंदर होगा उतना सुंदर इनका मंदिर बनवाएंगे। अभी तो फिलहाल हम लोग एक महीना का समय मिला जो इतना हम लोग किए, लेकिन इसके बाद जो है ये हम लोग जो है ना इनका मंदिर ढलवाएंगे, छत ढलाएगा और प्लास्टर होगा, पूरे में टाइल्स लगा के खूब सुंदर से इनका गोबर बनवाया जाएगा। गोबर बनवाएंगे, क्या कहेंगे, कितना खुशी महसूस हो रहा है? देखिए, तुलसीदास लिखे हुए हैं कि बिन हरि कृपा तृण नहीं डोले, तो इसमें हम यही कहेंगे कि भगवती का कृपा जब हुआ तो समय जब आया तो माता का भव्य स्थान बन गया, और इसमें भूमिदाता पुष्पकर कुमार हिमांशु उर्फ भोलू भाई का मुख्य सहयोग और योगदान है, और माता भगवती उनके परिवार पर, सभी ग्रामीणों पर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखें, सबको भविष्य उज्जवल करें, सबके कमाई में बरकत दें, और समूचे गांव का माता रानी कल्याण करें, जिससे इनका भव्य मंदिर बनाने में और सहयोग मिले, और काफ़ी धन की लक्ष्मी है माता, जो चाहेंगे वही हो सकता है, है कौन बड़ा तुमसे मैया इस जगत के प्रतिपाली, ये जगत जननी है, महाशक्ति का अवतार है, और इनकी कृपा जब हो जाए तो किसी का कोई चारा नहीं चलने वाला है। यहाँ पर शांति भी काफ़ी लग रहा है, शांति अनुभूति भी हो रहा है, काफ़ी शांति है, और हम लोग माने बाबा पूर्वज से सुनते आ रहे थे कि गांव में माता रानी का पूजा है, गहबर बना हुआ है, लेकिन चारों तरफ के गांव में हर जगह बन गया था, लेकिन हमारे गांव में नहीं बना था,
लेकिन जब समय हुआ तो बन गया। जिसके हाथ से जो काम होना होता है माता रानी करवा लेती हैं, और आगे भी बहुत अच्छा व्यवस्था यहाँ होने वाला है और सब उनकी कृपा है। चलिए अभी जो है अभी आपको लाइव तस्वीरें जो है मुजफ्फरपुर जिले से दिखा रहे थे, जो कांटी प्रखंड के लहलातपुर में पड़ता है, जो काफी जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। विभिन्न जगहों से लोग जो है आकर यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं। वही आपको बता दें कि अभी के समय में जो है सभी लोग जो है जमीन को लेकर जो है काफी मारपीट करते रहते हैं, किसी को एक फीट या दो फीट जमीन भी नहीं देते हैं। ऐसे में एक भक्त के द्वारा जो है जमीन डोनेट किया गया, उसे दान कर दिया गया और भगवान का जो है यहाँ पर पूजा अर्चना जो है बड़ी धूमधाम से हो रही है और गौहर भी बनाया गया हुआ है, जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसी तमाम खबर अपडेट जो है देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा ताकि हर एक लोगों के पास जाए और लोग इससे जो है मोटिव हो सके। यही मेरा मकसद था खबर दिखाने का। ऐसी तमाम खबर अपडेट जो है फेसबुक पेज पर देखते रहिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक खबर आपको मिलता रहे। तब तक याद रखिए, जय हिंद, जय बिहार।